जेडीयू, देखिए जेडीयू के सम्मान नेता माननीय नीतीश कुमार जी है, एक भी जितने भी कुछ कर ले टूटने वाला कोई नहीं था। ठीक है, विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से, बीजेपी पर ही आरोप लग रहा है, जेडीयू बार बार ये कह रही है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तरह तरह की साजिशें रची जा रही थी शर्मा जी, लेकिन आप लोग ये जो स्थिति बनी है इसमें क्या फायदा देख रहे हैं अपने लिए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है, ये तो आप भी मानते हैं, अब वो चेहरा आपके साथ नहीं है। देखिए दो तीन बातें हैं जी। पहली बात कि भाजपा ने कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं किया, हमेशा सम्मान दिया, उनको सहयोग किया हर स्तर पर। और पहली बार भी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में, उस समय भी छोटी पार्टी थी, और इस बार भी छोटी पार्टी रहते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वायदे पर रहते हुए इनको मुख्यमंत्री बनाया, और लगातार हमारे विधायक मंत्री पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे, हमारे मंत्री प्रेशर में थे, अफसरशाही पूरी तरह से हावी थी बिहार में, पूरा बिहार जानता है, कोई भी मंत्री काम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद भी हम लोग बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध होकर इनके साथ एकजुट होकर खड़े थे, लेकिन इन्हें अब भागने की इच्छा बहुत लंबे समय से थी, इसलिए बहाना ढूंढ रहे थे, आरसीपी सिंह को बहाना बनाया। शर्मा जी आगे करेंगे क्या, आगे करेंगे क्या, जुझारू लड़ाई के तौर पर आप चाहे सैयद शाहनवाज हुसैन जी हो या फिर बीजेपी के बिहार के लीडर्स, बस लड़ना है आगे और पुरजोर कोशिश करेंगे। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपने क्या अपनी तरफ से कोई कोशिश की नहीं, क्योंकि लड़े तो साथ में थे, मुख्यमंत्री आपने बनाया था, काफी कुछ हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप जो अब सामने आ रहे हैं, अब्बास जी भी कह रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ करना चाहिए, रोक लेना चाहिए, जो भी उनकी दिक्कत है उसे सॉल्व करना चाहिए? ना, देखिए किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो तेजस्वी जादव जी कह रहे थे पलटू चाचा, इतना बार पलटी मारेंगे, पूरे दुनिया को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा आज तक देश में मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई नेता नहीं हुआ है कि हर बार पलटी मार देता है, आप कितने भी के लिए अपना जान देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और जब भी आप नीतीश के साथ जाते हैं या अलग होते हैं तो ये बात तो आपको भी पता होती है, जो बात आज आप कह रहे हैं, जब दोबारा अलायंस बना था तो आपने कहा था कि भाई नीतीश कुमार के साथ एनडीए का जो गठबंधन है वो नेचुरल। चलिए हम आएंगे आपके पास, विपिन हमारे साथ जुड़े, विपिन ये बड़ी विचित्र बात है, कल जब एनडीए की सरकार गिर रही थी तो हम राबड़ी के दफ्तर के बाहर देख रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ राजद के बड़े प्रदर्शन की तैयारी, उसके बड़े बड़े बैनर्स, उसके होर्डिंग्स लगे हुए थे, कार्यकर्ता जमा हो रहे थे। एक दिन के बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है, बीजेपी अब सड़कों पर है, और वो पोस्टर जो अब नीतीश के खिलाफ राजद के लगे थे वो हट गए, तो अब बीजेपी कैसे अचानक से तैयारी कर रही है जेडीयू राजद के खिलाफ प्रदर्शन की? बिल्कुल रवि, देखिए मैं इस वक्त पटना में जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके ठीक बाहर खड़ा हूं, और यहां पर विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, विश्वासघात धरना मनाया जा रहा है, तैयारियां पूरी कर ली गई है, तमाम बड़े नेता गिरिराज सिंह से लेकर अश्विनी चौबे से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर हरीश द्विवेदी से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, और कोशिश ये है कि कल तक जिस विश्वास के साथ सरकार चल रही थी। बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ, विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर जो बिहार का है पटना में, वहां पर मौजूद हैं, और आज बड़े पैमाने पर विश्वासघात दिवस मनाए जाने की जा रही है तैयारी, सभी बड़े नेता वहां से हमें नजर आएंगे थोड़ी देर बाद। इस बीच देखिए अहम खबर क्या है, अहम खबर यह कि राहुल गांधी से नीतीश और तेजस्वी की बात हुई है, कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिलने की खबर है, सदन में कांग्रेस का स्पीकर चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए लगातार ये जो खबरें सामने आ रही थी कि बंटवारा कैसे होगा, किसके कोटे से कितने मंत्री होंगे, स्पीकर किसका होगा, कल ये जानकारी मिल रही थी कि आरजेडी ये चाहती है कि भाई स्पीकर जो हो वो उनकी पार्टी का हो, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर कांग्रेस का हो। कुमार विक्रांत इस वक्त राबड़ी देवी की आवाज से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। कुमार, कांग्रेस पार्टी का स्पीकर हो क्या, आप इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार इस पक्ष में? हाँ
देखिए, कल नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से लंबी बातचीत की थी। हाँ। गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर बात हुई, सरकार के गठन को, और इसके अलावा तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। राहुल गांधी ने शुभकामनाएं भी दी और बताया कि वो उनको अलवर जाना था, हालांकि अब प्रियंका गांधी को कोविड होने के चलते उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया है। उनको अलवर जाना था और सोनिया गांधी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि वो इतने बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर पटना आ सकें। तो और लेकिन राहुल गांधी की जब बात हुई तो नीतीश कुमार ने कहा कि चार पद हम आपको कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं, जिसमें तीन मंत्री हो और चौथा एक स्पीकर हो। स्पीकर किस लिए? वो नीतीश कुमार का ये मानना है कि जेडीयू के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, आरजेडी के पास ज्यादा मंत्री पद होंगे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और एक बड़ा मंत्रालय होगा। ऐसे में तीसरी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका स्पीकर हो, जिससे जो महागठबंधन है वो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। तो राहुल गांधी ने, हालांकि ये बात आई कि तेजस्वी चाहते हैं स्पीकर का पद अपनी पार्टी के लिए, तो राहुल गांधी ने यही कहा है कि चार पद आप हमको देना चाहते हैं, ठीक है, स्पीकर देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेकिन गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। ये कल राहुल गांधी से बात हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। चलिए विक्रांत, और अब कुछ ही घंटों में समय आ जाएगा, लगभग 3.5 घंटे का वक्त है जब एक नई सरकार स्वरूप लेती हुई दिखाई देगी पटना में। और इस बीच हम आपको बताते हैं कि हमने सवाल उठाया कि सत्ता के इस अदल बदल में बिहार के लोगों को क्या मिला। तो पहले देख लेते हैं कि बिहार की सूरत क्या, लेकिन इससे पहले आपको एक धोखा दिया है वह कांग्रेस जो इस देश की गरीबी का कारण है, इस देश को कमजोर बनाने की जो कांग्रेस की नीति रही है, देश की सुरक्षा पर, चाहे वह सीमा की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे किसी भी कल्याणकारी योजनाओं पर कांग्रेस जो 55-60 वर्ष तक सत्ता में जो फेल्योर रही है, और 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर। 15 वर्षों के वह आतंक और अराजक राज से समझौता करने का क्या मतलब था, क्या अर्थ था? मैं कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो मतदान और मतगणना के बीच के 2 दिन का जो फासला था, आरजेडी के लोगों ने जो तांडव किया, रंगदारी असूली शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी, 2 दिन में ही बिहार कराह गया था, और नीतीश जी को यह भली भांति पता है। तो फिर आरजेडी और तेजस्वी से समझौता कर सत्ता में जाना एक बिहार की जनता और बिहार के जनादेश के साथ धोखा है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज के नीति के साथ धोखा है। कांग्रेस से मिलने का मतलब, आरजेडी से मिलने का मतलब, यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए ही सब कुछ करते हैं। आज 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 जिन बात जहां प्रधानमंत्री बनने की इनकी लालसा जी, एक और सवाल है, प्रधानमंत्री पद के लिए भारत और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहने का मन ही बना नहीं चुका है, आशीर्वाद भी दे चुका है। तो रिएक्शन आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी काफी नाराज है। और अब आपको बताते हैं कि विकास जनता का हुआ या सियासत का, ये देखिए। सबसे पहले बिहार की अधूरी आस एक बार फिर अधूरी रह गई। किस तरह से 3 दशक से ज्यादा वक्त तक नीतीश और लालू का शासन रहा, और उसमें आंकड़े अब आप देखिए, बेरोजगारी दर 18.8% तक पहुंच गई, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर में से एक। उसके बाद आप देखिए, सिर्फ राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा ही इससे आगे हैं, यानी कि टॉप 4 में। देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.5 लाख सालाना है, लेकिन बिहार में कितनी है? लगभग 1/3। बिहार में सिर्फ 50,000, जिसका मतलब है कि 50,555 रुपए सालाना पूरे देश की जो एवरेज अगर आप देखेंगे तो उससे केवल 1/3। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, 52% आबादी गरीब है बिहार में। और इस तरह से आंकड़े अब आपको कुछ और भी दिखाते हैं, कुपोषण में दूसरे राज्यों से आगे है बिहार, 52% लोग कुपोषित हैं, आधे से ज्यादा बिहार कुपोषित है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक रहे, क्योंकि 30 साल
किसने किस तरह से राज किया वो देखिए। शिशु वयस्क मृत्यु दर 4.58% यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है, 4.5% से ज्यादा। बदहाल शिक्षा व्यवस्था को देखिए, 26% बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। अगला आंकड़ा देखिए, विदेशी निवेश में फिसड्डी है और सिर्फ 1,250 करोड़ का निवेश है। ये आंकड़े हैं 2019 से लेके 2022 तक, यानी कि इसमें आपको अधिकतर समय इस सरकार का भी दिखाई देगा जिससे कि बाहर निकले नीतीश कुमार। और हमारे साथ में अभी जो पैनल जुड़ा हुआ है, धीरज मिश्रा जी बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, ये आंकड़े आपके लिए और भी ज़्यादा डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि न केवल अधिकतर समय जब आप अलायंस में रहे। ओके, नीरज जी हमारे साथ में नहीं है, प्रोफेसर सतीश जी से हम इस क्वेश्चन को टॉस करूंगा। सर, ये आंकड़े तो काफ़ी भयावक हैं और नीतीश जी 8वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। ये आंकड़े अगर वो देखेंगे और कोई उनसे प्रश्न पूछेगा तो एक ही तस्वीर निकल कर सामने आती है, राजनीति का विकास हुआ है, पॉलिटिशियंस का विकास हुआ है, सीएम का विकास हुआ है, 8वीं बार बनने जा रहे हैं, राज्य का नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई, और जो स्थिति नीतीश कुमार की एक बड़े नेता के रूप में, एक सफल चीफ मिनिस्टर के रूप में जो चर्चा होती है, नैरेटिव होती है, अगर उसका भी आकलन करें तो दिखाई देगा कि 2005 में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, पहले चुनाव में स्थिति बहुत खराब थी, उसके बाद जो इमरजेंसी ये प्रेसिडेंट रूल के बाद जो चुनाव हुआ और बीजेपी ने जिस तरीके से उनको, कुमार जी इस लाइन को वापस रिकनेक्ट करते हैं और बेहतर करके आते हैं। अब्बास जी हमारे साथ में बने हुए हैं।